हमने लास्ट वाली क्लास में क्या किया था, हमने रेजोनेंस किया था जिसमें हमने बोला कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो डीलोकलाइज होते हैं. डीलोकलाइज का मतलब दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. और स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा रेजोनेंस जो है वो शो करता है बेंजीन में, जहाँ पे देर आर थ्री ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स. ठीक है, और उसके साथ हमने दो ग्रुप्स भी अटैच किए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उसमें डीलोकलाइजेशन किस तरह से होती है. नेगेटिव चार्जेस जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाके लगते हैं. ठीक है, एंड इन अ सिमिलर मैनर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, जैसे कि सी एच ओ ग्रुप किया था हमने, एनओ टू ग्रुप किया था, इन दैट केसेस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑन द बेंजीन रे एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो लोकलाइज ऑन द ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन. Now today we are going to start the next concept which is known as hyperconjugation. Hyperconjugation ko hum log no bond resonance bulate hain. No bond resonance. Theek hai? This is also known as Baker-Natta effect. It is also known as Baker-Natta effect on the name of the scientist जिसने इसको discover किया था. ये वाला जो क्या कहते हैं concept होता है, ये कहाँ पे होगा? It will take place in any compound which has an alternate single and double bond. मतलब कि जैसे for example हमारे पास एक compound हम ले लेते हैं इस तरह से. इस तरह से हमने एक कंपाउंड ले लिया. Now what is going to happen over here is कि ये वाला जो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, और जो ये वाला बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड्स करते एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जो ये वाला बॉन्ड है वो इसके ऊपर एज इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएगा. सो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा दैट इज सी एच पॉजिटिव एच एच और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड सी एच एंड सी एच टू. राइट, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है बिकॉज दिस बॉन्ड हैज शिफ्टेड ओवर हियर. ओके, बट रहता ये इसके क्लोज ही है, इट डज नॉट लीव द मॉलिक्यूल, रहेगा इसके पास ही. राइट, इन अ सिमिलर मैनर जैसे ये वाला हाइड्रोजन यहां से हट गया है, ये हाइड्रोजन भी हट सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी हट सकता है. सो वी आर गोइंग टू गेट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स व्हिच आर द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल. सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच वी कैन ड्रॉ ओवर हियर इज दिस. ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच वी कैन ड्रॉ ओवर हियर इज सो दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन. डिफाइन करो इसको, क्या होता है हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन इज द इंटरैक्शन बिटवीन, इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन the electrons of a system that is multiple bonds and the adjacent sigma bonds of the substituent groups in an organic compound. So this is what hyperconjugation is. जब हम लोग hyperconjugation करते हैं तो हम बोलते हैं only hyperconjugation is possible only in compounds having alpha hydrogens. ठीक है,
alpha hydrogens kya hue, ab yaha pe you can see that double bond jo hai wo idhar hai, theek hai, in dono carbons ke beech mein hai, then this is going to be the alpha carbon atom jo ki functional group ke saath attached rehta hai. तो अल्फा हाइड्रोजन्स अगर प्रेजेंट होंगे तभी हाइपरकंजुगेशन होगा. अगर अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हाइपरकंजुगेशन कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है. एंड आल्सो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मोर इज More is hyperconjugation, ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो अगर CH3 group present है as a substitute, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि CH3 group present है, तो अगर CH3 group present होगा तो उसमें hyperconjugation सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, because there are three alpha hydrogens present. अगर हमारे पास ethyl group present है तो अल्फा हाइड्रोजन के पास कितने, इसके पास इथाइल ग्रुप के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, सिर्फ 2, व्हिच इज लेस देन दिस, ठीक है. तो इस पे इससे कम होता है. और अगर हमारे पास डाई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे देखो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके पास कितना हो गया, ओनली 1, सो इसके पास सबसे कम होगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ हाइपर कंजुगेशन. और इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, सो दिस इज नॉट गोइंग टू अंडरगो हाइपर कंजुगेशन. क्लियर हो गया. सो दिस इज हाइपर कंजुगेशन. लेट्स गो ऑन टू द एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन. जब हाइपर कंजुगेशन की करते हैं, द फर्स्ट इज शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड्स. ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे हमने अभी एक मॉलिक्यूल डिस्कस किया था, दिस मॉलिक्यूल व्हिच वी हैड डिस्कस्ड, ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि यहां से ये वाला बॉन्ड इधर आ रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट. और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना था फर्स्ट वाला, दैट वॉज This was the structure which we got, ठीक है. Now if you're looking at molecule 1 over here, यहाँ पे double bond के साथ ये single bond present है, right? So application इसकी क्या है कि shortening of the single bond is taking place adjacent to the double bond. क्यों shortening हो रही है? Because single bond जो है वो convert हो रहा है double bond में, और जो double bond होती है उसकी bond length हमेशा छोटी होती है single bond से, right? So this Because of the double bond which is created at this position, यहाँ पे क्या होएगा? Shortening of the bond length that is going to take place. ठीक है? So अगर shortening हो जाती है bond length की, तो molecule क्या हो जाएगा? That will become more stable. ठीक है? So that is one application. Then the second application is it gives us the relative stability. Of methylated alkenes, right? Now we say that greater the hyperconjugation, greater the hyperconjugation, more is going to be the stability. तो इसका मतलब
कि अल्फा कार्बन एटम्स जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतने ही अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे उतनी हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी, ठीक है, और जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. सो इफ यू लुकिंग एट द स्टेबिलिटी, हम बोलते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है, आप इस वाले कंपाउंड को देखो, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक थ्री ये हो गए, फिर थ्री हो गए सिक्स, सिक्स एंड थ्री नाइन, नाइन एंड थ्री ट्वेल्व, ठीक है. सो इसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है. सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल मिथाइलेटेड एल्कीन. मिथाइलेटेड एल्कीन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, इस वाले कार्बन के साथ भी दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है. सो दिस इज मिथाइलेटेड एल्कीन, राइट. दिस मिथाइलेटेड एल्कीन इट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, क्लियर. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक CH3 ले लिया और यहाँ पे एक H ले लिया, और ये वाले CH3 एज इट इज प्रेजेंटेड. अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने रह गए, 9. सो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट इफ वी हैव CH3 हियर, H हियर, डबल बॉन्ड C, एंड वी हैव CH3 हियर, और यहां पे भी हमारे पास H प्रेजेंट है. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, अगेन ओनली 6 अल्फा हाइड्रोजन आर लेफ्ट, दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, ठीक है. और अगर हमारे पास ये प्रेजेंट है तो इसके पास अब क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गए. So this is going to be less stable, okay, least stable amongst all, okay. और अगर कोई भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वो बिल्कुल ही कम स्टेबल होता है. मतलब जैसे अगर आप नॉर्मल एल्कीन ले रहे हो, दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू शो, दिस विल नॉट शो हाइपर कंजुगेशन बिकॉज इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम लोग स्टेबिलिटी करेंगे तो स्टेबिलिटी में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उतनी ही ज्यादा दैट इज गोइंग टू बी स्टेबल, ठीक है. अगर सारे के सारे मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर 1 में देख रहे हो, तो उसके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 12 अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल. नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ओनली 9 आर लेफ्ट, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. नेक्स्ट पे ओनली 6 आर लेफ्ट, स्टेबिलिटी फर्दर डिक्रीजेस. देन इन द फोर्थ स्ट्रक्चर ओनली 3 आर लेफ्ट, देन दैट इज गोइंग टू बी द लीस्ट स्टेबल. और अगर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल भी एग्जिबिट नहीं करता, राइट. सो दिस इज वॉट हाइपर कंजुगेशन इज. देन वी कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक, वॉट आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स. रिएक्शन मैकेनिज्म होता है तो उससे हम लोग बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिक, यू कैन से देयर इज वन रिएक्टेंट व्हिच वी आर टेकिंग, ये जो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है दिस रिएक्ट्स विद द रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, और यू कैन से इट रिएक्ट्स विद एन अटैकिंग रिएजेंट. और अटैकिंग रिएजेंट जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट आ जाता है व्हिच इज नोन एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट. ये जो इंटरमीडिएट है दिस इज जनरली अनस्टेबल, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है इट इज गोइंग टू इमीडिएटली ब्रेक डाउन इनटू
product and byproduct. So this is going to be the mechanism of any organic reaction. कि कोई भी organic reaction है, उसपे attacking reagent जो होगा, वो attack करेगा. As a result of which एक intermediate बनाएगा. वो जो intermediate है, that is going to be unstable. So immediately वो breakdown हो जाता है into products and byproducts. Now substrate क्या हुआ यहाँ पे? ये जो organic molecule हम लोग बोल रहे हैं या organic reactant हम लोग बोल रहे हैं. This is also given another name, which is substrate. So, likho kya hota hai substrate? Substrate is that reactant. Substrate is that reactant which provides carbon to the new bond, and the other reactant. And the other reactant is known as reagent. ठीक है? So organic जो हमारे पास reactant है, that is what it is going to do is it is going to provide carbon to the attacking reagent. और जब ये provide करेगा carbon to the attacking reagent, तो तब reaction possible हो सकती है. Otherwise reaction possible नहीं. जब भी एक कोई भी reaction होती है तो उसमें आपको पता है कि जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं तभी प्रोडक्ट्स बन पाते हैं ठीक है सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर दैट इज टाइप्स ऑफ फिशन फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फिशन फिशन इज नथिंग बट इट इज breaking of bonds. Fission का मतलब होता है टूटना. Okay? There are going to be two types of fission which are taking place in an organic reactant. The first type of fission that is known as homolytic fission. What do you understand by homo means same, right? Homolytic fission का मतलब क्या हुआ? You know that one covalent bond, it is formed by the sharing of two electrons, isn't it? So, agar hum ek covalent bond is tarah se show kar de, to ye wala jo bond bana hai, iske paas do electrons hai. Homolytic fission mein kya hota hai? Ki in dono mein se ek electron iske paas chala jayega aur dusra electron B ke paas chala jayega, such that we have systems with single electrons. ठीक है? ये वाला जो bond है, ये दो electrons से बना हुआ है. जब यहाँ पे fission होगी, fission क्या मतलब होता है? Breaking of a bond. जब यहाँ पे fission होगी, तो ये अपना electron अपने पास ले लेगा और B अपना electron अपने पास ले लेगा. ठीक है? So दोनों ये जो species बनी, इसके पास क्या हो रहा है? They both are having one electron each, right? Such species which are formed due to homolytic fission, these are said to be free radicals. ठीक है? इसको हम क्या बुलाते हैं? They are known as free radicals. So क्या हुए free radicals? They are. We will study this in detail later. But अभी free radicals are reaction intermediates having single electrons. ठीक है, that is what free radicals are. The second type of fission जो कि होती है, that is known as heterolytic fission, right? Hetero now that becomes different, that means different. ठीक है, so इसी तरह से अगर fission होगी, again fission means breaking of a bond. राइट तो जब ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इन हेटरोलिटिक होती है तो एक जो क्या कहते हैं उसको स्पीशीज है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जाता है ठीक है सो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच बी हम बोल रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले जाएगा तो ए के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए सो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर क्या आएगा दिस इज गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव चार्ज राइट एंड B is going to get both the electrons
therefore this gets a negative charge. Got it? So जो ये positively charged species यहाँ पे होती है, this is known as a carbocation. Carbocation. Carbocation इसको क्यों बुलाते हैं? Because this is the carbon chain. ठीक है? And it has a positive this thing, so that is why it is known as carbocation, right? और जिसके ऊपर negative charge आ जाता है, that is known as carbon anion, right? So this is what homolytic fission is. As a result of which we are getting different kind of reaction intermediates. So let's discuss all the three types of reaction intermediates which we are studying over here. Let's go on to the reaction intermediates. The first type of reaction intermediate which we studied as a result of homolytic fission, they are known as free radicals. ठीक है? क्या होते हैं free radicals? लिखो. A free radical is an atom. A free radical is an atom or group of atoms. Or group of atoms having an unpaired electron. Group of atoms having an unpaired electron. ठीक है? So that is what a free radical is. A free radical जो होते हैं, they are very very reactive. Because उनके पास एक single electron present है और वो उनमें हमेशा tendency रहेगी कि उस single electron को वो किसी के साथ share कर ले, ठीक है? So these are what free radicals are. Example we have already seen over here that we have AB on fission. This is what is going to be given, right? अब और example आप इसपे ले सकते हो, जैसे हमने chlorine ले लिया. Chlorine का molecule that is formed by sharing of two electrons, ठीक है? और फिर जब fission होगी, इसकी जो fission होती है, that takes place in presence of UV radiation. H nu over here means in presence of light, ठीक है? So जैसे ही हम light को expose करते हैं on chlorine, it will immediately break into two atoms of chlorine, each having one electron. ठीक है, अब ये वाला जो क्लोरीन है, अगर ये सपोज रिएक्ट कर रहा है, हमारे पास CH4 है और उसके साथ ये क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्लोरीन यहाँ से इस हाइड्रोजन को विद द इलेक्ट्रॉन विद वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर हाइड्रोजन को ले लेगा, सो एज अ रिजल्ट वी हैव अनदर फ्री रेडिकल व्हिच इज क्रिएटेड ओवर हियर. This is known as methyl free radical. Clear? This is known as methyl free radical. Jo free radicals hote hai, they are of the following types. The first one this is known as methyl free radical. Which is a window one. So this is the methyl free radical. फिर अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हम अगर एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लें with a methyl group, so इसको हम क्या बोल रहे हैं? This is methyl free radical, ठीक है? अब यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर लिया है विद वन मिथाइल ग्रुप, then this is known as primary or 1 degree, 1 degree
फ्री रेडिकल. ठीक है, अब अगर हम इस हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर दें, ऐसे, so, दो को हमने कर दिया, this is going to be known as 2 degree और सेकेंडरी फ्री रेडिकल. ठीक है, और अगर हम तीसरे को भी कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, राइट, देन दिस इज नोन एज 3 degree और टर्शियरी फ्री रेडिकल. गॉट इट? सो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट. जब हम लोग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स, वी से दैट द CH3 फ्री रेडिकल दैट इज गोइंग टू बी लीस्ट स्टेबल, राइट. फिर उसके बाद प्राइमरी फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद टर्शियरी सॉरी सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो है द मोस्ट स्टेबल दैट इज गोइंग टू बी 3 degree. ठीक है, सो दिस इज मिथाइल, दिस इज 1 degree, दिस इज 2 degree एंड दिस इज 3 degree. So the most stable free radical is 3 degree. अब कैसे इसकी stability को हम लोग explain करेंगे? We say that this stability order can be explained on the basis of अभी जो हमने किया hyperconjugation. Hyperconjugation में हमने क्या किया था कि जितने ज्यादा alpha hydrogens present होंगे उतनी ही hyperconjugation ज्यादा होगी. ठीक है, so इसके पास 3 3s are 9 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, इसके पास हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा, और हमने ये भी पढ़ा कि जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. सो देयरफॉर 3 degree जो है, बिकॉज इट इज शोइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन बिकॉज ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन्स विच आर प्रेजेंट, देयरफॉर दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, और उसके बाद अगर हम लोग स्टेबिलिटी करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं कि बेंजीन रिंग है एक हमारे पास इस तरह से, ओके, और इसके पास इस तरह से एक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज बेंजाइल फ्री रेडिकल. ओके, सो बेंजाइल फ्री रेडिकल में क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी रेजोनेंस ओवर हियर. अगर रेजोनेंस होगी तो दिस इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव. जब सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम उसको सिंगल एरो के साथ शो करते हैं. ठीक है, दो दो साइड एरो नहीं लगाते, सिंगल एरो के साथ शो करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर. उसी तरह से यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इधर, राइट. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर? नाउ वी हैव CH2 आ गया इधर, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस नाउ. सो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और ये बॉन्ड यहां आ जाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये यहां मूव करेगा और यहां से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा. सो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ गया? वी आर गोइंग टू हैव डबल बॉन्ड CH2. ये जो डबल बॉन्ड CH2 जो बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से यहां शिफ्ट हुआ ना, सो इधर आ गया. दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. देन ओवर हियर दिस इज गोइंग टू शिफ्ट हियर एंड दिस इज गोइंग टू शिफ्ट हियर. ठीक है, सो नाउ व्हाट डू वी हैव? ये आ गया सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां, राइट. सो फिर ये यहां चला गया
और ये वापस यहां चला गया and finally the structure which we are going to have now is रिएक्टिविटी होती है फ्री रेडिकल्स की दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट राइट. अब अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं है, इफ दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजीली अवेलेबल, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी. तो जो बेंजाइल होते हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी हाईली हाईली स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस. इज इट क्लियर? ओके, सो वी हैव नाउ टू कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर. एक कॉन्सेप्ट हम ये कर रहे हैं जिसपे हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमने करी, जिसपे हमने बोला कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है और सबसे कम स्टेबल मिथाइल. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बोला कि दिस इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है इसलिए हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है. ठीक है, बट वेन वी आर कमिंग टू द बेंजाइल फ्री रेडिकल, तो बेंजाइल फ्री रेडिकल में हम क्या बोल रहे हैं कि द स्टेबिलिटी इज नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन बट इट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस. हैव यू अंडरस्टूड? Okay, then we go on to the structure of free radical. Structure. जब structure हम लोग free radical का देखते हैं, तो it is said that the free radical में जो carbon atom है, it is sp2 hybridized. sp2 hybridized का मतलब one p orbital that is not participating in hybridization. करिए ना हमने hybridization chemical उसमें covalent bond में chemical bonding वाले chapter में. So sp2 hybridization का मतलब क्या होता है कि one s and two p are participating. So over here if only two p are participating, तो three p होते हैं. एक जो p बचा that is going to be unhybridized, जिसको हम इस तरह से show कर सकते हैं. Okay? अब यहाँ पे जो bond angle होगा sp2 में कितना होता है 120 डिग्री, सो द बॉन्ड एंगल इज 120. और जो एक इलेक्ट्रॉन हम साले में शो कर रहे हैं दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. Structure of free radical. Have you understood? Free radical क्या होता है? उसकी order of stability क्या होती है? और आपको याद रखना है कि जो order of stability होती है, that is opposite to the order of reactivity. जो ज़्यादा stable होगा, वो कम reactive होगा. तो अगर आप यहाँ पे free radicals में देख रहे हो, तो सबसे ज़्यादा stable जो है, वो कौन सा है? Tertiary वाला ना, 3 degree वाला. तो that is going to be the least reactive. और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? मिथाइल फ्री रेडिकल, जो सबसे कम स्टेबल है. सो ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ये आगे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करने में हेल्प करेगी कि अगर एक सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसी भी चीज के साथ, तो इन दैट केस हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा आना चाहिए. ओके, देन लेट्स गो ऑन टू द सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट व्हिच इज कार्बोकेटायन. द सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट is carbocation. क्या होता है carbocation? Write down. It is a group of atoms which contains a positively charged carbon atom having only 6 electrons, in the outermost shell. Initially इसको carbocation को हम carbonium ion भी बुलाते थे.
कहलाते थे, इट वॉज नोन एज कार्बोनियम आयन. क्लियर? सो जब हम लोग कार्बो के टाइन कर रहे हैं तो इन दिस केस व्हाट आर वी सेइंग कि इफ सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट, तो यहां पे जब फिशन होगी तो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल गो विद एक्स, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच अ पॉजिटिव चार्ज विल कम ऑन कार्बन एंड द नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन द एक्स. सो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बना This is the carbocation. Got it? अब carbo के time में जैसे हमने free radicals करे कि they are of the following types, we have primary, secondary and tertiary. उसी तरह से carbo के times भी वैसे ही होएंगे. जैसे if you're talking of all the H which are present, this is going to be known as methyl. ठीक है? अगर एक CH3 present है with a positive charge, this is going to be known as 1 degree, right? Or agar hamare paas two methyl groups present hai, then this is going to be known as 2 degree, okay? Or agar hamare paas three present hai, then this is going to be known as 3 degrees. राइट जब यहां पे हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी दिस 3 डिग्री दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल. राइट नाउ हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस, दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट. राइट आपने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, दैट द इलेक्ट्रॉन्स दे आर डोनेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. अब ये जो मिथाइल ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. राइट सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, ये वाला जो मिथाइल है ये यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एज अ रिजल्ट इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे. तो जो रिएक्टिविटी इनकी ग्रुप्स की होती है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज. अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. सो ये क्या कर रहा है, यहां पे तीन ग्रुप्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं कार्बन के ऊपर, तो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड हेंस द स्टेबिलिटी दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम. अब इधर सिर्फ आप देखियो कि दो ही अल्काइल ग्रुप्स है तो ये दो अल्काइल ग्रुप्स जो है वो रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, सो अगेन न्यूट्रल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज बट इट विल बी लेस देन 3 डिग्री. राइट जबकि हम लोग इस पे जा रहे हैं सो ओनली 1 इज प्रेजेंट. ओके बिकॉज ओनली 1 इज प्रेजेंट देयरफॉर ओवर हियर द रिएक्टिविटी दैट इज गोइंग टू बी मोर एंड द स्टेबिलिटी दैट इज गोइंग टू बी लेस. यहां पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी लीस्ट स्टेबल. ठीक है नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू द बेंजाइल दिस थिंग बेंजाइल फ्री रेडिकल सॉरी कार्बोकेटायन अगर हम करें तो बेंजाइल कार्बोकेटायन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. राइट अब यहां पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस का मतलब कि दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर and this positive charge is going to shift here. Okay, so the first structure which we are going to get over here is double bond CH2, we get the positive charge here. Now this will shift here and this is going to shift here. Okay, then the next structure which we are going to get over here is double bond CH2, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया. ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया. नाउ व्हाट इज एक्टिंग ओवर हियर, ये यहां चला जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू गो हियर. राइट सो वी हैव डबल बॉन्ड हियर एंड द पॉजिटिव चार्ज हियर.
ठीक है. फाइनली ये वापस आ जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू गो हियर. सो वी हैव दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल स्ट्रक्चर ठीक है विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन CH2. नाउ यू कैन सी इन स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज ऑन द सी कार्बन विच इज ऑन द बेंजीन रिंग. तो इसलिए बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इजिली अवेलेबल तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है दैट इज मोर राइट. सो आप कह सकते हो कि जितने ज्यादा बेंजाइल ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी राइट. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ अगर हमारे पास ये कार्बन प्रेजेंट है एंड वी हैव दिस एंड वी हैव दिस. सो ये वाला इधर भी रेजोनेंस शो करेगा इधर भी रेजोनेंस शो करेगा इधर भी रेजोनेंस शो करेगा. सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंगस्ट ऑल. इन सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है दैट इज ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन. दिस इज नोन एज व्हाट इट इज नोन एज ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड. देन द नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकेटाइन. लेट्स गो ऑन टू द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर जब हम कार्बोकेटाइन का करते हैं तो यहां पे अगेन द हाइब्रिडाइजेशन दैट इज गोइंग टू बी sp2. सो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वी आर गोइंग टू हैव अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट ठीक है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन द पॉजिटिव चार्ज इज हियर एंड द बॉन्ड एंगल दैट इज गोइंग टू बी 120 डिग्रीज ठीक है. देन वी गो ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज कार्बन एनायन. याद है समझ आ गया ना सबको. ओके देन द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट we are going to do that is carbon anion. So define karo kya hota hai. It may be defined as species containing a carbon atom carrying a negative charge and possessing 8 electrons in its valence shell. 8 electrons in its valence shell. So if you are having CH3 and Z, okay, अब यहां पर जब fission होगी both the electrons they are left with this. As a result, we will have CH3 negative plus Z पॉजिटिव. सो ये जो CH3 नेगेटिव यहां पे बना है जिससे दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को खींच लिए हैं देन दीज आर नोन एज व्हाट दे आर नोन एज कार्बन एनायंस. गॉट इट. नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ कार्बन एनायन तो हम लोग वैसे ही जैसे हमने फ्री रेडिकल्स को और हमने कार्बोकेटायंस को क्लासिफाई करा वैसे ही हम इसको भी क्लासिफाई करते हैं. द फर्स्ट काइंड ऑफ कार्बन एनायन व्हिच वी हैव इट इज नोन एज मिथाइल ठीक है. फिर उसके बाद वी विल हैव प्राइमरी. सो देयर इज अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर दिस इज नोन एज 1 degree और इट इज नोन एज प्राइमरी ठीक है. अगर दो होंगे then this is known as 2 degree or it is known as what secondary ठीक है.
और अगर हमारे पास 3 होंगे then this is going to be known as 3 degree or tertiary. जब हम order of stability करते हैं तो यहाँ पे order of stability उल्टा हो जाएगा. Methyl is going to be most stable, फिर उसके बाद 1 degree और फिर उसके बाद 2 degree और सबसे कम stable 3 degree. अब इसको भी हम कैसे explain करते हैं? This is explained on the basis of again plus I effect. ठीक है? Over here you can see that there are 3 methyl groups which are present, तीनों के तीनों electrons release करेंगे. अगर ये तीनों electrons release करते हैं, तो इस वाले carbon के ऊपर electron density जो है, वो increase हो जाती है. Clear? So अगर electron density increase होगी, तो reactivity बढ़ जाएगी. जैसे हमने carbon के tank में क्या किया? कि electron density decrease हो जाती है, positive charge जो है, वो neutralize हो जाता है, इसलिए उसकी जो reactivity है, वो कम हो जाती है. Right? Over here, opposite is happening. What is happening? Ki electrons are being released. Because electrons release ho rahe hai, to the density, electron density will increase and hence reactivity will also increase. Theek hai? Negative charge zyada intense ho jata hai iske upar. Yahan pe sirf 2 present hai, to intensity 3 degree se kam ho gayi. इसलिए इसकी reactivity इससे कम हो गई तो ये ज़्यादा stable हो गया. इसके पास सिर्फ एक ही है तो और कम हो गई. ठीक है? So as a result of which stability will further increase. और यहाँ पे कोई भी नहीं है तो इसकी stability सबसे ज़्यादा होती है. Clear हो गया? So this is what carbon and iron is. When we are looking at the क्या बोलते हैं उसको benzyl carbon and iron. This is going to be the benzyl carbon anion. ठीक है? अब ये resonance show करेगा. So what is going to happen? ये यहाँ चला गया. ये यहाँ चला गया. So first structure हमारे पास क्या आ गया? We have double bond CH2 with a negative charge here and this. ठीक है? फिर उसके बाद next में क्या होगा? ये इधर चला जाएगा. ये इधर चला जाएगा. Double bond CH2, there is a negative charge, there is a bond over here and a negative charge comes over here. ठीक है? Next पे what is going to happen? ये इधर चला गया, ये इधर चला गया. So we have double bond CH2. This is over here, this is over here. Negative charge is here. ये इधर चला गया और ये इधर चला गया. ठीक है? So finally what will we have now? CH2, right? So, जब आप देख रहे हो structure number 2, 3 and 4, उसपे आपको कहीं पे भी negative charge carbon के ऊपर नहीं नजर आ रहा, isn't it? There is no negative charge here, no negative charge here, no negative charge here. If negative charge is not going to be there, reactivity जो है वो कम हो जाएगी, और अगर reactivity कम हो गई, तो stability is going to be more. So, we say again over here, the most stable carbon and iron that is going to be whole price C negative. That is, this is the most stable carbon and iron which is known as what? Triphenyl. Triphenyl carbon and iron. ठीक है? Is it clear? Then let's go on to the structure of carbon and iron. Structure of carbon and iron. In this case, it is sp3 hybridized. Okay, so sp3 hybridized way, we are going to have all the hybridized orbitals. Aur ye jo electrons hote hain, that is present in one of the hybridized orbital over here. ठीक है? So this is what is going to be the bond angle in this case? 109.5 degrees. This is hybridized hybridized
hybridized orbital containing the lone pair of electrons. Okay, so these are the three types of reagents. कौन कौन से हमने करे? हमने करा free radical is sp2 hybridized. फिर हमने करा carbocation is also sp2 hybridized. फिर हमने करा carbon anion which is sp3 hybridized. जब free radical की हम order of stability करते हैं, तो in that case 3 degree सबसे ज़्यादा stable, फिर 2 degree, फिर 1 degree और फिर methyl. जब carbocation की करते हैं, again stability order 3 degree, 2 degree and 1 degree and then methyl. पर कार्बन एनायन में जो स्टेबिलिटी है वो उल्टा हो जाता है, जो मिथाइल है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल, फिर उसके बाद 1 डिग्री फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री. सो 3 डिग्री दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव, राइट. एक और तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं व्हिच आर नोन एज कार्बीन्स. क्या होते हैं? लिखो कार्बीन्स. दे आर रिएक्टिव न्यूट्रल स्पीशीज. They are reactive neutral species in which the carbon has 6 electrons in the valence shell. Out of which 2 are shared. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कोई कंपाउंड है व्हिच इज CH2, दिस इज नोन एज डाइएजोमीथेन. जब हम इसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. ठीक है? और नाइट्रोजन जो है इसमें से निकल जाता है. तो दिस इज अ न्यूट्रल स्पीशीज व्हिच इज नोन एज कार्बीन. ओके, इसको हम लोग बुलाते हैं मिथाइलीन कार्बीन बिकॉज इट हैज वन कार्बन एटम ओनली. सो दिस इज नोन एज मिथाइलीन कार्बीन. ये भी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन दिस, राइट. So for this lecture we are only going to do till here. Next we will start with type of attacking reagents. Okay.